गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही खींचातानी का असर अब दिखने लगा है। गुरुवार को अजमेर में एआईसीसी की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के दौरे से पहले गहलोत और पायलट समर्थक आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के समर्थकों के बीच जमकर लाठीचार्ज से चली। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ नारेबाजियां भी हुई और मुर्दाबाद के नारे भी लगे। मामला वैशाली नगर स्थित गोविंद समारोह स्थल में दोपहर 12 बजे का है। वहां मौजूद आरटीडीसी चेयरमैन और पुलिस ने समझाइश कर इस मामले को शांत करवाया। दरअसल शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कल बैठक रखी गई थी। बताया जा रहा था कि यह फीडबैक कार्यक्रम था। इसमें सह प्रभारी 1-to-1 बातचीत करने आई थी। शहर कमेटी की इस बैठक में देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बैठक में पदाधिकारी तो चले गए, लेकिन जब देहात के कार्यकर्ता आने का कहने लगे तो विवाद हो गया। देहात कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पायलट समर्थक थे। इस दौरान गहलोत गुट के शहर और पायलट गुट के कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ और इसके बाद देखते ही देखते लात घुसे चले गए। इस विवाद में देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता भीम सिंह की पिटाई कर दी गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को थप्पड़ मारी और बैठक से झगड़ते हुए बाहर आए। यहां एक दूसरे पर लात घुसे भी मारे गए। इधर हंगामे की सूचना के बाद आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह ललावत भी पहुंचे। राठौर ने समझाइश का प्रयास किया तो उनके ही मुर्दाबाद के नारे लगे। बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर इस मामले को शांत करवाया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।